हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ऋत्विक शाहर के बारे में और जानने वाले उनके लाइफस्टाइल, हाइट, वेट, एज, रिलेशनशिप, नेटवर्क, फैमिली और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप ऋत्विक के फैन हैं तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऋत्विक का पूरा नाम है ऋत्विक शाहर और उनका निकनेम है ऋत्विक और RS। ऋत्विक का जन्म 14 सितंबर 2000 में महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था। उनके फैमिली में उनके माता पिता और एक छोटे भाई है। ऋत्विक ने अपनी स्कूल की पढ़ाई गोकुलधाम हाई स्कूल गोरेगांव से कंप्लीट की है। ऋत्विक ने अपने करियर की शुरुआत 2012 में फिरारी की सवारी मूवी से की। वो इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किए थे और ऋत्विक काफी सारे वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, जैसे कि द फ्लेम्स, ऑकवर्ड कन्वर्सेशन, लाखों में एक, इंदौर इश्क और भी बहुत सारे। तो आप बात करते हैं ऋत्विक के फिजिकल स्टेटस के बारे में। बात की जाए उनके हाइट की तो उनका हाइट है अप्रोक्सीमेटली 5 फीट 6 इंच और उनके वेट की बात की जाए तो उनका वेट है 60 kg। ऋत्विक के चेस्ट साइज है 38 इंच और उनके वेस्ट साइज है 28 इंच और बात की जाए उनके बाइसेप साइज की तो उनका बाइसेप साइज है अप्रोक्सीमेटली 13 इंच। ऋत्विक के नेशनलिटी इंडियन होने के साथ साथ उनका रिलीजन हिंदू है। ऋत्विक को फुटबॉल खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है और गिटार बजाना उनको अच्छे लगते है। इसके अलावा उनको मूवीज देखना और स्विमिंग करना अच्छे लगते है। ऋत्विक के फेवरेट एक्टर है आमिर खान और शाहरुख खान और उनके फेवरेट एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित और दीपिका पादुकोण। उनके फेवरेट कलर ब्लैक है और उनके फेवरेट फूड है बिरयानी। ऋत्विक के नेटवर्थ है अप्रोक्सीमेटली 80 लाख। तो अब बात करते हैं ऋत्विक के रिलेशनशिप के बारे में। बात की जाए उनके मैरिटल स्टेटस की तो उनका मैरिटल स्टेटस है अनमैरिड और बात की जाए उनके गर्लफ्रेंड के बारे में तो करेंटली ऋत्विक सिंगल है। उनका पूरा फोकस अपने करियर पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।